हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ठंडाई की रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मियों में हमें जैसे कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक सबको चाहिए होता है, तो ठंडाई से बड़ा ऑप्शन और क्या हो सकता है जो कि बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है और एनर्जेटिक भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं ठंडाई पाउडर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप बनाकर घर पे इजीली रख सकते हो और जब मनचाहा कोई भी गेस्ट आए तो आप बना के सर्व कर सकते हो। तो इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करूँ तो वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसका जो प्रिपरेशन टाइम है 10 मिनट्स है। तो इसे के लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और पैन को हम गरम कर लेंगे। सिर्फ गरम करना है दोस्तों, ज़्यादा हीट नहीं करना है, सिर्फ गरम कर लेंगे। और गैस को फिर ऑफ करके बादाम 1/4 कप, काजू 1/4 कप, पिस्ता 1/4 कप, मेलन सीड्स यानी तरबूज का बीज 2 टेबलस्पून, खसखस 2 टेबलस्पून, फिर दालचीनी 3 से 4 स्टिक्स होने चाहिए, और इलायची 7 से 8, और सौंफ 1.5 टीस्पून, और ब्लैक पेपर 10 से 12, और ड्राई रोज़ पेटल्स 4 टेबलस्पून के करीब, हल्दी 1/2 टीस्पून या केसर के धागे भी 1 पिंच आप डाल सकते हो, और जायफल 1 लिया है जिसको मैंने कद्दूकस करके कर लिया है, 1 पूरा भी नहीं, 3/4 यूज़ हुआ है। अब इन मसालों को जो गरम पैन है इसमें हल्का सेक लेंगे यानी रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसको एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है, मसालों को अब मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये हम पीस लेंगे अच्छे से, महीन सा पीस लेंगे, और ये जो पाउडर जो होता है वो थोड़ा दरदरा होता है, अगर आपको दरदरा ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसको छन्नी से छान सकते हैं। तो ये हमारा पाउडर बनके तैयार है, मैं इसको और नहीं छानूंगी, मैं ऐसे ही रखूंगी। आप इस पाउडर को एक एयरटाइट बोतल में फ्रिज में रखकर अपने विश के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर किसी अन्य प्रकार की मिठाई या पेय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं ठंडाई कैसे बनाते हैं। तो एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें स्वाद अनुसार चीनी लेंगे, और इसमें फ्रिज का ठंडा दूध मिलाएंगे, और इसमें 2 चम्मच ठंडाई मसाला डालेंगे और इसको मिक्सी में चला लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा रिफ्रेशिंग एनर्जेटिक और हेल्दी ड्रिंक बनके तैयार है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि वो कुछ और पीना नहीं चाहते हैं, तो आप इस ड्रिंक को शाम को गर्म दूध की जगह ठंडाई सर्व कर सकते हो। 1 or 2 ice cubes डालेंगे और गार्निश करेंगे कुछ रोज़ पेटल्स से, सूखे हुए पेटल्स या फ्रेश रोज़ पेटल्स से गार्निश करेंगे, और कुछ केसर के धागे डालेंगे, और ये हमारा जो ड्रिंक है पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए इस रिफ्रेशिंग एनर्जेटिक ड्रिंक को इस समर्स में, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके, टेक केयर।